दीदी बारिश बंद हो गई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम बच्चों को लेकर चले आए थे पार्क, नेहरू पार्क। ये बनारस में कंटोनमेंट में है और हमने सोचा कि बच्चों को थोड़ा घुमा दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं और दीदी के भी बच्चे आए थे। वो बहुत दिनों बाद आए थे यहाँ पे, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी बनारस नहीं आती है। वो दूर रहती है, सिद्धार्थ नगर में रहती है, गोरखपुर से आगे है वो। तो वो बहुत मतलब टाइम टाइम पे कुछ होता है तो ही आती है, वरना ये नहीं आती है। तो किसी कारण से दीदी आई थी यहाँ पे, तो हमने सोचा कि हम उसे मतलब उनके बच्चों को घुमा देते हैं, क्योंकि वो लोग आ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी हम आ गए नेहरू पार्क और बारिश की वजह से ही हमें लेट हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो हम एक मतलब छोटा सा ढाबा टाइप का था, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद से फिर गाड़ी चली। बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, इसी वजह से हमको रुकना पड़ा। और अभी हम नेहरू पार्क पहुँच गए हैं और बच्चे तो बहुत खुश थे। वो तो बिल्कुल मतलब बोले थे जल्दी चलिए, आप लोग धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी चलिए। तो ये देखिए सभी बच्चे बहुत बेसब्री से मतलब इंतज़ार में थे कि हम नेहरू पार्क जा रहे हैं, पर अभी वो जा रहे हैं, वो बहुत खुश भी हैं। तो छवि मेरे पास आ गई थी क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी, मुझे नहीं पता था कि बारिश होगा। और मैंने उसे जो है स्लीवलेस कपड़ा पहना दिया था और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, तो इसलिए वो मुझसे चिपक गई है। जब पार्क में हम चले गए तो छवि ने इतना एंजॉय किया कि पूरा पसीना पसीना हो गई, फिर उसे ठंडी नहीं लग रही थी। और अभी हम आ गए हैं मेन गेट पर, जहाँ पर मतलब जहाँ से एंट्री होती है पार्क के अंदर। तो वहाँ पर दो गार्ड थे, यहाँ पर टिकट लगता है। यहाँ का एक आदमी का टिकट का है शायद 30 रुपया थे, मैं कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि जीजा पे किए, वही सबका टिकट लेकर आए थे, तो मुझे नहीं पता है कि 30 था कि 50 था। फिर हम अंदर चले गए और मेरा आवाज़ भी थोड़ा भारी हो गया है बहुत, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और अभी हम पार्क के अंदर आ गए हैं। जैसे ही अब पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर ये CVV यहाँ पर ऐसे करके कुछ है, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। रात में तो ये और भी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रात हो गया क्योंकि बारिश हो रहा था ना, अभी भी पास में तो इसकी वजह से देखिए हम लोग रुक के थोड़ा, चलो फोटो क्लिक करा लेते हैं दीदी। तो चलो ठीक है आज ये सब है, चलिए दीदी। दिखाओ यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, बह रहा है। बोलेंगे नहीं, खेल रहे थे लड़के एक तरफ। छवि ये बच्चे हो जा, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई फ्रेंड्स, देखिए पूरा मजा किरकिरा हो गया, लेकिन फिर भी नहीं एंजॉय करो। अरे गीले हो जाएंगे सब, नहीं गीले होंगे, गीले हो जाएंगे बच्चे, गिर जाएंगे, सरकना मत इस पे, मिट्टी लग। फ्रेंड्स जब हम पार्क आए थे तो बच्चे बड़े भी बिल्कुल बच्चे बन गए थे। कहा जाता है ना कि दिल तो बच्चा है जी, जो दिल होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो मेरे जीजा दीदी और जो छोटी सिस्टर थी उसके हस्बैंड सब बहुत इन्जॉय किए, वो खुद बच्चे बन गए थे, आप देख सकते हैं ये देखिए। और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और थोड़ा रात हो गया था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। यहाँ हमने मास्क इसलिए उतार दिया था क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बस हम ही लोग थे और दो चार लोग थे। तो वो दूसरे साइड, जो दूसरे साइड में पार्क है वो वहाँ पर इन्जॉय कर रहे थे और हम यहाँ पर थे, तो इसकी वजह से हमने मास्क उतार दिया था। तो ये देखिए छवि, रुपेश और रीशु परी सब ने बहुत इन्जॉय किया। फ्रेंड्स ये वाला पार्क जो है ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ का नेहरू पार्क। कभी भी आपका बनारस आना हो तो इस पार्क में बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा, और अगर आसपास आप बनारस के हैं तो भी आप जाइए बच्चों के साथ। हफ्ते में एक बार बच्चों को घुमाने ज़रूर जाना चाहिए, कोरोना टाइम जब नहीं हो अच्छी तरीके से तब,
क्योंकि जब हम थोड़ा बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, खुद भी बाहर जाते हैं, तो माइंड हमारा फ्रेश होता है और बहुत अच्छा लगता है। हमें ज़रूर जाना चाहिए, मतलब फैमिली के साथ बाहर टहलने घूमने, पार्क में और कहीं की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल दिए बच्चों को लेके, बिल्कुल नहीं, सेफ्टी के साथ ही जाना चाहिए। और अभी देखिए जीजा और जो मेरे छोटे बहनोई हैं वो लोग बच्चों के साथ साथ, वो लोगों ने बोला हम मैं भी एक बार ये झूला झूल लेता हूँ। तो हम बहुत हंस रहे थे कि जीजा और जो मेरे छोटे बहनोई हैं दोनों लोग झूल रहे हैं। वो हम लोग से भी बोल रहे थे कि आओ आओ, पर हम लोग नहीं गए। दीदी थोड़ा सा झूली थी, मुझे झूले से बहुत डर लगता है। मैं जब छोटी थी ना तो झूला बहुत मैं पसंद करती थी, पर एक बार सावन का ही महीना था और मैं झूले से गिर गई थी। उसके बाद से मैं झूले पे तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ, कोई कुछ भी कहे। गई चल बनो, ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग। ये बड़े वाले जीजा हैं, बनो ही हैं, ये दो बच्चे आए हैं साथ में, वहाँ पे दो बच्चे यहाँ हैं पूरा। ये दीदी अपने फ्रेंड से, देखिए बच्चे, फ्रेंड्स आप लोग भी कभी कभी इंजॉय करने बाहर बच्चों को लेके जरूर जाइए। बाहर आने से बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। जो बच्चों की खुशी में ही जो है पेरेंट्स की खुशी होती है, और बच्चे इतने खुश हैं ना कि मैं झूला नहीं झूल रही हूँ फिर भी मुझे, मैं बहुत खुश हूँ सिर्फ इनकी खुशी देख के कि बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। बाहर आए हैं, काफ़ी टाइम बाद हम बाहर आए हैं और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। और बच्चों को देख के सब, देखिए सब उधर से खेल रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है। तो आप वॉच करिएगा आगे भी, मैं दिखाती हूँ आगे का आप लोग को ब्लॉग सारा शेयर करूँगी। फ्रेंड्स माइंड मत करिएगा, क्योंकि छोटी सिस्टर ही रिकॉर्ड कर रही थी तो बीच बीच में वो भी बोल दे रही थी, तो प्लीज़ इसे माइंड मत करिएगा। और अभी देखिए सबने बहुत मस्ती की, बहुत देर तक हम लोग 9:30 बजे तक पार्क में थे। और ये देखिए जीजा जो है वो झूला झूल रहे हैं, तो सबने झूला झूला, इंजॉय भी काफ़ी हो गया। और खाना तो मैं बना के ही आई थी, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया ही है कि मैं खाना बना के ही घर से निकली थी कि बाहर हमें कुछ नहीं खाना है। पर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा जिद कर दिए कि नहीं कुछ भी नहीं, पर पिज़्ज़ा हम खाएंगे। तो हम ऐसे वैसे जगह बच्चों को लेके बिल्कुल नहीं गए, हम उन्हें मैकडॉवल में ले गए थे, वहीं से हमने पिज़्ज़ा खिलाया, क्योंकि मैकडॉवल बहुत सेफ़ होता है इसलिए हम वहाँ गए थे। हमने सोचा पैसे ज़्यादा लग जाए पर फूड जो है वो अच्छा मिले, हेल्थी मिले और सफाई के साथ मिले, इसलिए हम इन्हें मैकडॉवल लेकर गए थे। तो 9:30 बजे के लगभग हम पार्क से बाहर गए और फिर हम वहाँ गए, तो बच्चे बहुत खुश थे। और उन दीदी के बच्चे भी बोल रहे थे, मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आज बहुत मज़ा आया। और ये देखिए मस्ती इन लोग की पूरी, ये सब तो पार्क से बाहर निकलना चाह ही नहीं रहे थे कि हम पार्क से बाहर जाएं। मम्मी थोड़ी देर और रुकी, बस यही बोल बोल कर ये लोग रुक रहे थे। तो अभी हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड और बच्चे अंदर गए हैं और वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि किसी, मतलब जो भी अंदर आ रहा है उन्हें फीवर ना हो, क्योंकि इस समय आप जान रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है। तो जितने भी हम लोग के फैमिली से जितने लोग गए थे किसी को भी फीवर नहीं था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इन्होंने टेम्परेचर नापा, फिर हमें एंट्री दिया मतलब मैकडॉनल्ड के अंदर। अब देखिए हम आ गए हैं, ये यहाँ का GHB मॉल है, सॉरी मैं मैकडॉनल्ड मॉल बोल रही थी, ये GHB यहाँ का मॉल है। फिर हम रेस्टोरेंट में गए और वहाँ हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम डिनर बना के आए थे तो हमने सोचा कि हल्का हल्का हो जाएगा सभी का, और वैसे भी भूख बिल्कुल नहीं लगी थी। तो अभी बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे, फिर हमने उन्हें पिज़्ज़ा खिला दिया, फिर उसके बाद से हम घर वापस चले गए। और काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30 बजे के लगभग हम पार्क से ही आए थे और आधा पौना घंटा यहाँ पे लगा था, फिर हम वही 11 बजे तक घर पहुँच गए थे। और ये देखिए यहाँ कितनी सेफ्टी है, जो वहाँ के वेटर लोग थे वो लोग भी बहुत सारा प्रिकॉशन लिए हुए थे, हाथ में उनके ग्लव्स था, इन्होंने नहीं पहना था, बाकी सब ने पहना था, सिर पे उनके जो सिर पे लगाते हैं ना वो था और मास्क लगाए हुए थे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया और सभी ने खाया। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।